ए माता एक दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। भाइयों, एक अद्वितीय मंत्र हर प्रकार के मंत्र तंत्र को काटने वाला, सब प्रकार के बंधन को खत्म करने वाला, सब प्रकार की बाधा खत्म करने वाला ऐसा मंत्र आपको मैं दे रहा हूं। हर प्रकार के दोष को खत्म करने वाला ये भगवान हनुमान जी महाराज का बहुत ही शानदार और बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र है। तो इसको आप हनुमान जयंती के समय पे करते हैं, कर सकते हैं, इसको दीपावली पर सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो मंगलवार को प्रतिदिन एक माला 21 दिन तक आपको इसका जाप करें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब आप इसका उपयोग करें तो कम से कम 11 बार पढ़कर 3 बार फूंक लगाएं। जैसे किसी कि कोई दिक्कत है, शरीर में बाधा है, तो 3 बार मंत्र को पढ़ते हुए उसके ऊपर फूंक मार दें। आप चाहें तो किसी कोई भी भभूत पढ़ के उसको, मंत्र को पढ़ते हुए भभूत पढ़ के उसको रोगी को खिला दें तो वो ठीक हो जाएगा। किसी का काम बन नहीं रहा हो तो वो ठीक हो जाएगा। किसी के ऊपर चौकी है, मंत्र पढ़ते हुए वो भभूत खिला दें, उसको झाड़ दें मोर पंख से तो वो ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो भभूत पढ़ के या लाल सिंदूर ले लें, हनुमान जी महाराज को जो चढ़ाया जाता है उस पर मंत्र पढ़ के उसको यहाँ टीका लगा दें तो उसके विघ्न बाधा हैं, जैसे सर दर्द है या वो घबराता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, किसी प्रकार की उसको हाय लगी है, नज़र लगी है, भूत प्रेत पिशाच बाधा है, इन सब में ये ही मंत्र सारे कार्य करेगा। ये जो है तंत्र मंत्र बाधा को काटता भी है, चौकी को भी काटता है, बहुत सारे कार्य में ये मंत्र कार्य आता है। बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंत्र है। तो इसको जैसे मैंने बताया है कि आप चाहें तो इसको दीपावली पर सिद्ध कर लें, मंगलवार के दिन से भी इसको आप आरंभ कर सकते हैं। बढ़िया कंबल आसन पर बैठ जाएं, रुद्राक्ष की माला ले लें और जो है पूर्व मुख या उत्तर मुख बैठें और इसकी जो है एक माला आपको प्रतिदिन ऐसा 21 दिन आपको इस मंत्र को जाप करना है तो ये स्वतः सिद्ध हो जाता है। और भगवान जी को चोला चढ़ा दें, देशी घी का दीपक जला दें, उनको भोग लगा दें। भगवान हनुमान जी महाराज को फल फूल पसंद है तो उनको फल फूल वगैरह भेंट करें और भोग लगाएं। और उसके बाद इसका जो है कम से कम 21 आहुति आप जाप की बात दें तो ये बहुत ही जल्दी कार्य करने वाला है। मंत्र ऐसा आप जो है पढ़ें कि एक ही सांस में जो है आप उसको पढ़ सकें। हनुमान जी महाराज पान के बहुत शौकीन हैं। आप चाहें तो उनको एक अच्छा मैं डंठल के 5 लौंग सहित पान ले जाएं, हनुमान जी महाराज के सामने रखें और प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हम इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें इतनी ताकत दे दो मंत्र सिद्ध हो जाए। भगवान दया करेंगे और आपके मंत्र को सिद्ध कर देंगे। और जब भी आपको इससे कोई पीड़ित व्यक्ति मिले या आपका कोई हो, ये भले कार्य के लिए है, तो मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारते जाए और ऐसे जो है मोर पंख से झाड़ दें। आप चाहें तो इसको पानी पर भी पढ़ सकते हैं, पानी पढ़कर उसको पिलाने को दे दें तो हर प्रकार की विघ्न बाधा जो है ठीक हो जाएंगे। मंत्र जो है बहुत ही सरल है और ये शावर मंत्र है। इनकी जो भाषा थोड़ी अटपटी होती है, आप उसको भाषा को अपने मन में ना बिठा लें और जो मन है, जो मंत्र है, उसको उसी के अनुसार पढ़ें। मंत्र है, राम नाम लेकर हनुमान चले कहाँ चले।